सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सामाजिक अध्ययन विषय के चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर नंबर 7 है एशिया महाद्वीप में भारत, यानी कि एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है, भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ पर किस किस तरीके के मौसम होते हैं, जलवायु कैसी होती है, इसके अलावा किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किसका उत्पादन अधिक होता है, इन सभी के विषय में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने महाद्वीपों के विषय में पढ़ा था, तो महाद्वीपों में हमें पता है कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है। इन सभी के बारे में पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज देख लीजिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी विषयों के प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा साइड में आई बटन आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप हमारे सभी विषयों के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। आज इस टॉपिक के पूरे कंप्लीट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यापारिक पवनों की दिशा होती है भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों, जो व्यापारिक पवने होती हैं उनकी जो दिशा होती है वो भूमि से समुद्र की ओर होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं मैंग्रोव क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में या फिर हिमालयी क्षेत्रों में। दोस्तों, जो शंकुधारी वन होते हैं ये सबसे अधिक हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पेड़ लंबे लंबे होते हैं और इनका इनकी जो आकृति होती है वो शंकुनुमा दिखाई देती है, तो इसीलिए इन्हें हम शंकुधारी वन कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिकी या सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया वर्ष 1976 में, वर्ष 1964 में, वर्ष 1973 में या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जलवायु है आर्द्र, मानसूनी, शुष्क या फिर कोई नहीं। दोस्तों, जो भारत की जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, पीपल, बरगद या फिर ये सभी। तो आप सभी को नीम, बरगद या पीपल में से एक सही लगाना है, तो आप सभी लोगों को पता भी होगा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरगद, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, भारत व पाकिस्तान, भारत व श्रीलंका, भारत व म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। पाक जल संधि, पाक से पाकिस्तान आप मत समझिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। तो आप याद रखिएगा कि जो पाक जल संधि होती है ये भारत और श्रीलंका देशों को अलग करती है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है पाक जल संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.4%, 3.5%, 10% या फिर 5%। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सर्वाधिक है। स्थलीय सीमा से मतलब है जो स्थल, भारत का सबसे अधिक स्थल भाग किस देश से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो भारत के क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सा देश हमारे देश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश की, तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, नीलगिरी पर, अन्नामलाई पर, सतपुड़ा पर या फिर महेंद्रगिरी पर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलगिरी या फिर मकालू। आपको 100 रुपीज की जो नोट होती है उसमें आपको एक पर्वत दिखता होगा, उस पर्वत को हम कहते हैं कंचनजंगा। हमारे भारत की हिमालय, जो हमारे भारत में हिमालय पड़ता है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। पूरे हिमालय पर्वत की बात नहीं की जा रही दोस्तों, अगर पूरे हिमालय पर्वत की बात होगी तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी होगी जो कि नेपाल में है, लेकिन हमारे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो हमारे भारत के क्षेत्रफल में आती है, जो हमारे भारत की सीमा में आती है,
वो है कंचनजंगा, और इसीलिए 100 रुपए की नोट में आपने देखा होगा कंचनजंगा पर्वत छपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कंचनजंगा पर्वत है हमारे देश का, हमारे देश में जो पड़ता है हिमालय, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत या फिर लैटिन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा। मौसम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4, 6, 8 या फिर 12? दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत में 4 ऋतुएं बताई गई हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, 4 ऋतुएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 14 है, काल बैसाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, आप लोग अच्छे से, वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, 2017 में पूछा भी गया दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? केरल, गोवा, गुजरात या फिर तमिलनाडु? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक समुद्री सीमा तय करता है, तो वो है गुजरात। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या फिर समुद्री लहरों द्वारा? दोस्तों, जो कैनियन या फिर दर्रा होता है, इसका निर्माण नदी द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है चीड़, सुंदरी, रबड़ या फिर कैक्टस? दोस्तों, मरुस्थल में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके तने, उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, तो जो कैक्टस होता है ये मरुस्थल में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। इनके जो वनस्पतियां होती हैं मरुस्थल में, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनके पत्ते आप देखोगे सब बिल्कुल कांटे नुमा दिखाई देते हैं, कांटे की वजह से ये बिल्कुल झाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं वहां के पौधे, जैसे कि नागफनी, कैक्टस, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नासा की स्थापना हुई 1958 में, 1959 में, 1957 में या फिर 1956 में? दोस्तों, नासा का फुल फॉर्म पहले आप लोग जानिए, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी को हम संक्षेप में नासा कहते हैं। और दोस्तों, ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एरोस्पेस में मुख्य भूमिका निभाती है, और जितने भी अंतरिक्ष में कार्यक्रम होते हैं या फिर जो भी चीजें, जैसे कि जो भी अंतरिक्ष में यान जाते हैं, जो भी चीजें होती है, उन सभी की जो व्यवस्था होती है, या फिर ये कहें कि जो नासा एजेंसी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। आप देखते होंगे कि स्पेस में जा करके वहां पर लोग रहते हैं, यान जाते हैं, कितने कितने दिनों तक लोग वहां पर जा करके रह करके आते हैं अंतरिक्ष में, तो ये सभी नासा की ही देन है। और यहाँ पर दोस्तों, नासा की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, 1958 में नासा की स्थापना हुई। और हमारे देश में कौन सी अंतरिक्ष संस्था है? हमारे देश में है इसरा, हमारे देश में है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है ये, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तो नासा की स्थापना के 11 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी हमारे देश में, और हमारे देश में जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं वो इसरो के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो जो नासा एजेंसी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की है, और जो हमारा इसरो है वो हमारे इंडिया का है। तो जिस प्रकार से अमेरिका अपने सभी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजता है और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके फिर पृथ्वी पर वापस लाता है, ऐसे ही हमारे देश में इसरो है। जैसे हमारे देश में आपने सुना है मंगलयान गया, और भी बहुत सारे लगातार अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं,
और जो बहुत बहुत ही गुड़ गुड़ जानकारी ला करके हमें देते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की देन है कि आज हमारा देश भी टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पढ़ाए आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में यहाँ पर आपको आई बटन भी दिख रहा होगा, वहां पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अपने सभी फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचता रहे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।